अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 एंड 10। अच्छा स्टूडेंट, लास्ट टाइम 2.3 हम कंप्लीट कर चुके थे, आज हम मूव करेंगे 2.4 पे। बहुत इजी एक्सरसाइजेज हैं इनमें, हम ज़्यादा अपना टाइम जो है वो हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखिएगा ज़रा, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने मौजूद है, सिंप्लीफाई। ठीक, आपने सिंप्लीफाई करना है। 3/12 और पावर, होल पावर आपके पास 6 है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता चल चुका होगा कि पावर जो है हम किस तरीके से मेंशन करते हैं उसे, और पावर का क्या काम होता है, जो एक्सपोनेंट होती है उसको किस तरीके से ओपन करेंगे। ठीक है, तो अब ज़रा देखिएगा, मूव करते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अकॉर्डिंग टू द मैथफुल मैथ्स को सॉल्व कर रहा हूँ, देन हम वन टाइम क्वेश्चन को अपने ऐसे लिखेंगे 3/12 एंड देन होल पावर 6। ठीक, अच्छा अब यहाँ देखिएगा आपके पास, इसका मतलब है कि ये 3 पर भी है पावर और आपके पास 12 पर भी है पावर। ठीक, मतलब 3 की पावर 6 भी होगी, 12 भी। लेकिन इससे पहले एक काम कर लेंगे, वो काम ये कर लेंगे, अब जैसे 3/12 हमारे पास वैल्यू गिवन थी, होल पावर 6 थी, तो अभी हम सेपरेट करने से पहले काम करते हैं इसको, जो डिवीजन अगर हो रहा है तो उसको पॉसिबिलिटी हम कर लेंगे। 3 1 3 और 3 4 12। ठीक, तो आप देखिए जो वैल्यू हमारे पास आई है वो कितनी आई है, 1/4 और होल पावर कितनी है, 6। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 1 जो है वो भी आपके पास 6 टाइम्स है, और जो आपके पास जो अल्लाह भला करे 4, जो आपके पास 4 है वो भी आपके पास 6 टाइम्स है। ठीक है, तो आप यहाँ पे चाहें तो इसको मेंशन कराने के लिए या तो डायरेक्ट लिख दें, तो 1 को कितने टाइम लिख रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। ठीक है, डिवाइड बाय, और 4 भी कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है, 4 1 2 3 4 5 एंड देन 6। ठीक, तो 1 को अगर आप 6 टाइम्स करें या 1000 टाइम भी करें तो 1 ही होता है, तो डेट्स मीन ये तो 1 ही आएगा। और डिवाइड पे अगर आप 4 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 4096। सही है, ये जो है ये आपका आंसर। ठीक, तो इस तरीके से आप वैल्यूज जो है वो पावर्स को यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब ज़रा देखिएगा, बाकी सारे सवाल बहुत ईजी हैं, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आप सेल्फ करेंगे। अब मैं मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आपके पास क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5, 8a² b² / 3cd एंड देन आपके पास होल पावर -2। ठीक, सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं, लिखेंगे पहले, और देन 8a² b² / 3cd। अच्छा, इसमें एक ज़रा क्वालिटी देखिएगा क्वेश्चन के अंदर, जो पावर है वो आपको नेगेटिव दी हुई है। अच्छा, याद रखिएगा, कभी भी पावर अगर नेगेटिव होती है तो हम नेगेटिव पावर को जो है कन्वर्ट करते हैं पॉजिटिव में। तो हम एक नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कैसे जो है वो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बहुत ईजी वे है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने करना है क्या है, जो अंदर वैल्यूज़ हैं विच में जो डिवीजन है उसको ऊपर ले जाएंगे, और जो ऊपर मल्टीप्लीकेट है जो ऊपर, विच में डिनोमिनेटर जो है वो नॉमिनेटर में चला जाएगा, और नॉमिनेटर डिनोमिनेटर के प्लेस ले लेगा। ठीक है, किस तरीके से, मैं आपको अभी करके बता रहा हूँ। ये देखिएगा, ब्रैकेट में यूज़ करूँगा, 3cd डिनोमिनेटर था, उसको नॉमिनेटर में चेंज कर दिया तो ऊपर चला गया। ठीक, और जो 8a² b था ये नॉमिनेटर था, तो ये डिनोमिनेटर में मूव हो गया, 8a² b। अब इस तरीके से क्या, आप देख लें जो 2 है ये पॉजिटिव हो गया। ठीक, अब टेंशन नहीं है आपको, अंदर की वैल्यू को आपने जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को इन्वर्स करेंगे, पावर ऑलरेडी आपके पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक, तो बहुत आसान मेथड था, अब ज़रा देख लीजिएगा करेंगे क्या आप लोग। आपके पास ये जो 2 है, अगर चाहें तो सेपरेट भी लिख लें, या चाहे तो आप नहीं भी लिखें, वो आपके विषय, आपके जैसे आप उसको पॉसिबल समझें, 8a² b² होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो 2 है ये 3 के साथ भी है, 2c के साथ भी है, और 2d के साथ भी है। ठीक, अब इसको सेपरेट वाइज आप ओपन करेंगे किस तरीके से, देखिएगा ज़रा, 3 का स्क्वायर, फिर आपके पास c का स्क्वायर, एंड देन फिर आपके पास d का स्क्वायर, होल डिवाइड बाय, देख लें ज़रा, 8 का स्क्वायर, फिर a² का भी स्क्वायर, एंड देन आपके पास b का स्क्वायर। सही, तो आप ज़रा देख लें, अगर आप 3 को 2 टाइम्स करेंगे तो 3 3 9। ठीक है, c को 2 टाइम्स करेंगे तो c² और d को 2 टाइम्स करेंगे तो d² होल डिवाइड बाय, 8 को 2 टाइम्स करें, 8 का कितना होता है, 64। a को 2 टाइम्स करेंगे, विच मीन्स, अच्छा देखें, ये तो 8 को 2 टाइम्स किया था, अब ये ऑलरेडी पावर है, पावर से पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, तो 2 2 4 और d² दिस इज़ योर आंसर। देखें कितने ईजी क्वेश्चन है, इसमें कोई भी आपको जो है वो कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसके अंदर, विच मीन्स बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, ईजी है।
अब जरा हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और बाकी रिमेनिंग आप लोग का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? -30 एक्स की पावर आपके पास 10 है एंड देन वाई की जो पावर है वो आपके पास 8 है, होल स्क्वायर एंड देन होल डिवाइड बाय -5x³ है एंड देन आपके पास y स्क्वायर है। ठीक, अब देखें कितना इजी क्वेश्चन है, सॉल्व सवाल क्वेश्चन को वन टाइम हम ऐसे रिमेनिंग लिखेंगे -30x10y8 स्क्वायर डिवाइड बाय -5x³y² अच्छा अब ज़रा गौर से देखें यहाँ पे जो चीज़ आपके पास इक्वल साइन है डिवीजन है तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 5 × 5 और आपके पास 5 × 6 = 30 सही। अब जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या बची हैं आपके पास ज़रा उसको भी देख लीजिएगा। ये देखें 6x³ 10 y³ 8 होल स्क्वायर x³ और y² बाकी तो आपके सामने जो है वो सब कुछ आप जो है वो हमने डिवीजन या उसको हमने कट कर लिया है तो वो कोई ऐसा बड़ा हमारे पास मसला नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स तो आप देखें आपके पास ये जो 2 है ये आपके पास इन तमाम के साथ है, विच मीन्स लेट सपोज आप इसको सेपरेट कर लेंगे तो किस तरीके से देखें 6 पहले इसको सेपरेट कर लें 6x10y³ 8 के साथ भी क्या है 2 होल डिवाइड बाय x³y² के साथ क्या है वो भी 2 है। ठीक, अब ज़रा नेक्स्ट देखें आपके पास करना क्या है, आपने सेपरेट कर लें 6x² x 10² एंड देन y² 8। ठीक है, ये सारे स्क्वायर्स हमने बराबर कर लिए। अच्छा डिवाइड बाय आप ज़रा देख लें x³² और देन y² 2। ठीक, अब ज़रा देखें 6 × 6 कितना हो गया 36 हो गया, 10 × 2 कितना हो गया 20 और 8 × 2 कितना हो गया 16 होल डिवाइड बाय 3 × 2 = 6 और 2 × 2 = 4। ये देख लें स्टूडेंट्स ये आपका आंसर। दैट्स इट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9-10, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे बेटा। ये देखिएगा आपके पास एक्सरसाइज हम 2.4 तक जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 2.5 की तरफ। तो देखें बहुत इजी एक्सरसाइजेज हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। तो सिंप्लीफाई आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक, और क्वेश्चन नंबर 1 मौजूद है √169। अच्छा स्टूडेंट ज़रा गौर से देखिएगा आपके पास सिंप्लीफाई √169 आपके पास वैल्यू यहाँ पे मौजूद है। तो आप ज़रा याद रखिएगा 169 जो है वो एक ऐसी वैल्यू है जिसका अगर आप टेबल पढ़ते हो वो सिर्फ 13 की टेबल में आती है वैल्यू। तो सॉल्व अकॉर्डिंग टू द मैथ्स हम वन टाइम क्वेश्चन को ऐसे कॉपी कर रहे हैं 169, और अगर आप इसका एलसीएम ले लेते हैं बेटा तो गौर से देखिएगा 169 13 के टेबल में ही आता है, 13 × 13 = 169 एंड देन 13 × 1 = 13। तो इसका मतलब 169 की प्लेस पे मैं इसकी वैल्यूज़ रख रहा हूँ। ठीक है, तो अगर पेयर बनता है तो वो वैल्यू रूट से बाहर आ जाती है, तो दैट्स मीन ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक, अब ज़रा नेक्स्ट मूव कीजिएगा क्वेश्चन नंबर आपके पास जो है वो मैं वो करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 √12 × √12। ठीक, मैं इसके दो मेथड बता रहा हूँ, दोनों बहुत इजी मेथड हैं, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, अपने आप बस घबराना नहीं है। √12 × √12 वन टाइम क्वेश्चन आप ऐसे कॉपी करेंगे, एलसीएम ले लें। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 एंड देन 3 × 1 = 3। तो आप एलसीएम देखिएगा आपके पास क्या आया 2 × 2 × 3 और दोनों सेम वैल्यूज है आपके पास, विच मीन्स दोनों ही आपके पास 12 है। तो अब इसको हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे 2 × 2 × 3 × ये भी 12 है, सेम वैल्यूज हैं 2 × 2 × 3। अच्छा देखें दोनों 12 से एक काम करेंगे हम इनको आप सेम रूट में लिखेंगे। ठीक है, टू मल्टीप्लाई बाई टू, ठीक है, फिर अरेंज कर लें सारे 2 जो एक जगह कर लें
और थ्री जो है वो हमने एक जगह कर ली। अब ज़रा देख लें जो पेयर बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बन रहा है। जो पेयर होते हैं वो आपके पास रूट से बाहर आ जाते हैं, तो विच मीन्स टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय थ्री, तो रूट में कुछ भी नहीं बचा। अगर सिंगल वैल्यू होती तो रूट में बचती, यहाँ पे कोई सिंगल वैल्यू थी नहीं हमारे पास, तो टू टू ज़ा फोर, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, तो आप देख लें ट्वेल्व जो है वो इसका आंसर है। सही। अच्छा डायरेक्ट वे में अगर आप इसको करना चाहें तो डायरेक्ट वे में भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चन डायरेक्ट वे में नहीं हो सकता। मैं आपको उसको इसका जो डायरेक्ट मेथड है वो भी बताता हूँ। अच्छा क्वेश्चन क्या था, अंडर रूट ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ट्वेल्व, यही था ठीक है। तो आप बाज़ोकात होता है क्या है स्टूडेंट्स, आप इसको सिमिलर वन रूट में लिखोगे, देख लीजिएगा ज़रा इसको, 12 मल्टीप्लाई बाय 12, अब ऑलरेडी पेयर बन रहा है तो जाहिर सी बात है वैल्यू रूट से बाहर आ जाएगी, तो ये आंसर वो इस वजह से बताया मैंने आपको पीछे जो एलसीएम वाला मेथड अप्लाई कर रहे हैं उससे क्लियर हो जाए, एंड देन सेकंड मेथड ये बताया कि इससे आप डायरेक्ट भी वैल्यूज को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं ठीक है। अच्छा देखिएगा इसके बाद एक इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ये डिफिकल्ट है थोड़ा इसमें क्योंकि वैल्यूज का इशू है, तो ज़रा देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8। 18 डिवाइड बाय अंडर रूट 18, ये क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट है, अक्सर होगा जिसका आंसर मतलब इजी वे में नहीं आता, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये। सॉल्व 18 डिवाइड बाय अंडर रूट 18 ठीक है इसमें। अब ज़रा देखें आप करेंगे क्या, यहाँ पे आप सिमिलर हम कुछ कर ही नहीं सकते, एलसीएम भी लें वो भी बेसूद है, विच मीन्स एक वैल्यू रूट में और सेकंड वैल्यू रूट में नहीं है सही। तो आप एक काम करते हैं यहाँ पे हम जो ये मल्टीप्लाई और डिवाइड देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रूट 18, अब कैसे करेंगे ज़रा देख लें, 18 मैं यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ, डिवाइड बाय अंडर रूट 18 मल्टीप्लाई बाय वन टाइम 18 से हुआ, और देखें डिवाइड बाय भी क्या हुआ, अंडर रूट 18 सही। अब ज़रा इस चीज़ को नोट डाउन कीजिएगा, अब 18 को मल्टीप्लाई करवाएंगे जाहिर सी बात है बिल्कुल सिमिलर सामने वाले से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो गया 18 अंडर रूट 18 ठीक है, और जबकि नीचे वाले दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो एक ही रूट में रखेंगे 18 मल्टीप्लाई बाय 18 सही। अब ज़रा देखें यहाँ क्या बचा, 18 अंडर रूट 18, अच्छा ये दोनों पेयर बन रहे हैं ठीक है, जब पेयर बनेंगे तो वैल्यूज़ क्या होगी, रूट से बाहर आ जाती है, तो देखें रूट से बाहर आ गए, ये नॉमिनेटर का 18 और डिनोमिनेटर का 18 दोनों कैंसिल हो गए, जो आपके पास आंसर बचा वो क्या हुआ, अंडर रूट 18। दिस इज़ द क्वेश्चन, ये थोड़ा हार्ड था तो मैंने खुद करवा दिया ठीक है। अब ज़रा नेक्स्ट स्टूडेंट एक नेक्स्ट सवाल देख लें, आपके क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ईजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बाकी सारे मेथड क्वेश्चन इसी मेथड से होंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग 10 ज़रा फोकस कीजिएगा बुक में, 3 अंडर रूट 5 प्लस 8 अंडर रूट 5 सॉल्व, 3 अंडर रूट 5 प्लस 8 अंडर रूट 5। अब ज़रा देखें यहाँ पे जो है वो आपके पास जो वैल्यूज़ हैं आपको जो सेम वैल्यूज़ मिल रही हैं वो क्या है, रूट 5 रूट 5 ठीक, डजेंट मैटर हमें उसके मतलब नहीं है आगे 8 है या 3 लगा है वो कोई ऐसा जो है वो बड़ा इश्यू नहीं है। तो यहाँ देख लीजिएगा मैं काम कर रहा हूँ, 3 प्लस 8 मैं सेपरेट ब्रैकेट में लिख रहा हूँ और जो कॉमन था इनमें वो था अंडर रूट 5 ठीक है। 8 प्लस 3 कितना है आपके पास, 11 11 अंडर रूट 5, ये आपका क्या हो गया आंसर ठीक है। अब अगर देखें यहाँ लिखा होता माइनस, तो मैं 3 माइनस 8 और फिर रूट 5 अगर होता डजेंट मैटर पे मैं माइनस करवा देता वैल्यूज़ को ठीक है। तो आप देखिएगा ज़रा ये इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 2.5 जो है वो मुकम्मल होती है, टोटल इसके 12 क्वेश्चन है जिसमें से मैंने आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कॉम्प्लेक्स थे थोड़ा वो समझा दिए हैं, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप लोग का होम असाइनमेंट है। अब तक के लिए इतना ही, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 एंड 10। स्टूडेंट्स देखिएगा लास्ट टाइम हमने 2.5 अपनी ऑलमोस्ट मुकम्मल कर ही ली थी, आज हम मूव करेंगे टूवर्ड्स 2.6 ठीक है। तो बुक आपके सामने पेज नंबर 43। अच्छा तो देखिए सवाल आपके सवाल लिखा, राइट डाउन द रेडिकेंड एंड द इंडेक्स फॉर द फॉलोइंग, रेडिकेंड और इंडेक्स क्या होता है ये आपने यहाँ पे मेंशन करना है। तो देखते हैं रेडिकेंड और इंडेक्स क्या होता है हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा यहाँ पे आपके पास 4 रूट से बाहर है मतलब इसमें रूट की पावर है ठीक है, और आपके पास देख लें रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है 35 है,
सही। तो अब जरा देखिए, याद रखिएगा जो चीज़ रूट की पावर होती है वो हमेशा क्या कहलाती है, वो इंडेक्स कहलाती है, ठीक। और जो चीज़ रूट के अंदर लिखी होती है वो चीज़ आपके पास क्या होती है, वो रेडिकेंट कहलाती है, सही है। तो मूव करते हैं, आप देख लीजिएगा आपने काम किस तरीके से करना है। यहाँ पे सॉल्व आ गया, लिख देंगे रेडिकेंट। रेडिकेंट कितना है हमारे पास, 35, और इंडेक्स जो है वो कितनी है वैल्यू इंडेक्स की, 4, ठीक। बहुत इजी काम है, इस तरीके से करना है। अब यहाँ देख लें, अगर आपके पास वैल्यूज गिवन है तो आपने जो है वो घबराना नहीं है। आपके पास क्वेश्चन क्या लिखा है, 5 अंडर रूट एक्स वाई और जेड डिवाइड बाय टी। तो यहाँ पे आपके पास देखें 2 times आप मतलब यहाँ लिख लेंगे रेडिकेंट। रेडिकेंट क्या है हमारे पास, अभी मैंने आपको बताया था जो चीज़ रूट के अंदर हो वो चाहे कुछ भी हो, कोई वेरिएबल हो या आपके पास कोई वेरिएबल है, कोई अल्फाबेट है, वो कोई डजेंट मैटर, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। तो एक्स वाई जी डिवाइड बाई टी जो है ये आपके पास रेडिकेंट है। और अगर आप बात करते हैं इंडेक्स की तो इंडेक्स आपके पास कितना होगा, 5, ठीक है। अब बाकी देखिएगा इसके रिमेनिंग टोटल 5 questions है, 2 मैंने करा दिए, 3 questions आपने घर से करने हैं। अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 इसका नेक्स्ट पार्ट है जो कि सिंप्लीफाई है, ठीक। तो हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो भी देख लेते हैं। जरा क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव कर जी, ठीक है। अब जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने मौजूद है। यहाँ पे 3 अंडर रूट मतलब आपके पास जो इंडेक्स है वो कितना है, 3 है, और जो आपके पास रेडिकेंट है वो 27 है, सही। तो अब जरा एक काम करूँगा, मैं आपको एक चीज़ सिखा दूँ कि याद रखिएगा, अगर कोई भी चीज़ अगर इस तरीके से हम सपोज करते हैं रूट में कोई वैल्यू नहीं है तो उसका मतलब क्या होगा, रूट की वैल्यू 1/3 है, ठीक। अब जो आप सिंगल रूट लेते हैं, विच मीन्स सिर्फ खाली रूट जो होता है, सिर्फ रूट ही होता है, उसकी वैल्यू 1/2 होती है। ये दो चीज़ें हमें, ये वाली चीज़ हमेशा रखिएगा, जो सिंगल रूट आपके पास सिर्फ रूट की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है। अब ज़रा देखें सॉल्व, क्वेश्चन क्या था, 3 रूट 27, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पे आप देखिएगा, आपके पास मैं इसको अब ओपन कर रहा हूँ, 27, और अभी बताया था मैंने आपको अगर रूट 3 है तो इसका मतलब पावर कितनी होगी, 1/3। अब मैं रूट 3 हट चुका है, उसकी जगह मैं पावर लिख रहा हूँ 1/3। अब देखिए याद रखें, ब्रैकेट के अंदर क्या मौजूद है, 27, और बाहर क्या मौजूद है, 1/3। तो याद रखें मुझे पावर मतलब मुझे कोई एक ऐसा टेबल जो है वो लेना है जिसको मैं 3 times करूँ तो 27 बने, ठीक। तो वो टेबल आपके पास 3 का ही होता है, तो और से देखिएगा ज़रा, आपके पास 3 3 9 और 9 3 27 होल पावर ऐसी रखी मैंने, ठीक है। अब ज़रा देख लें इसका मतलब क्या हुआ, 3 की पावर 3, और बाहर जो पावर 1/3 वो ऐसी रखी, 3 से 3 कैंसिल कर दें तो जो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो सिर्फ क्या है, 3 है। तो ये आपका आंसर है, सही। अब ज़रा नेक्स्ट देखिएगा, आपके पास वैल्यू मौजूद है, सॉल्व 4 625। अब याद रखें यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखा है 4 root तो इसका मतलब पावर क्या होगी, 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम एक काम करेंगे, इसको लिख लेते हैं 625 1/4। अब याद रखें कोई ऐसा टेबल पढ़े जिसको मैं 4 times करूँ तो वो 625 हो, तो वो 5 का टेबल है, ठीक है। तो टेबल ऑफ 5 है, तो अगर मैं 5 का टेबल 4 time करता हूँ तो वो कितना बनता है, 625 बनता है, सही है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 5 को ऐसे रखें आप, 5 को कितने टाइम किया था, 4 time, और ये वाली पावर आप ऐसे रखोगे 1/4, 4 से 4 कैंसिल करेंगे आप, तो आपके पास वैल्यू क्या बची, सिर्फ और सिर्फ 5। दिस इज़ योर आंसर, सही। अब देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, सही है। आपके पास देखिए, अभी बताया था मैंने आपको सिंगल रूट जो होता है उसकी पावर जो है 1/2 है, सही। तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, 5/7 square, ठीक है। तो सिमिलरली अब ज़रा एक काम ये करेंगे, 5/7, अब मैं रूट को ओपन कर रहा हूँ, तो रूट सिंगल रूट क्या होता है, 1/2 के बराबर होता है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितनी बची पावर आपके पास, 5/7, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। अब स्टूडेंट 2.6 के जितने रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपके सारे होम असाइनमेंट हैं, आप घर से करेंगे फिर अपने कॉपीज को चेकिंग के लिए लेके आएंगे। अब तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।